are watching AT Global Network. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सच क्या है प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असीम मलिक। उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम इंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है और ताबून किया है यंग इनकलाब ने। हमारे साथ दो शख्सियतें आज प्रोग्राम की जीनत बनने जा रही हैं, लेकिन आप भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रोग्राम में आज हमने सिर्फ ये बात करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो गुस्ताखाना फिल्म बनी उसका रद्दअमल मुसलमानों में क्या हुआ और मुसलमानों ने जो कदम उठाया, हुकूमतों ने जो कदम उठाया, क्या वो काबिल तहसीन है या वो नाकाम रहे हैं, आवाम का क्या रद्दअमल रहा। तो इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं अपनी दोनों शख्सियतों को तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ यंग इनकलाब के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब प्रोग्राम की जीनत बनने जा रहे हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं स्टूडियो में। दिल की अथाह गहराइयों से जनाब वाला आपका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया जी। मेरे दूसरे मेहमान वो भी वाजिबुल एहतराम हैं, अलामा शफीकुर रहमान शाहीन साहब, नाज़िम है जमीत अहले हदीस के, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। और आज जो बातचीत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने के लिए, हमने ये प्रोग्राम तरतीब, चार प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, आज उस प्रोग्राम की ये तीसरी लड़ी है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस नामोस रिसालत की हिफाजत कौन करेगा जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है, जिसको फरिश्तों को मामूर करता है कि सिर्फ दरूद भरो और ख़ुद भी दरूद और सलाम भेजता है उस हस्ती पर। हम और आप कौन होते हैं जो उस हस्ती का दिफा कर सकें, उनकी नामोस के लिए को कदम उठा सकें। हम एक काविश करते हैं, वो काविश कब तक कामयाब होती, कहाँ तक कामयाब होती, इस पे आज हमारी बातचीत होगी। मोहम्मद असलम तवक्ली साहब, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। अच्छा ये बताएं, बहुत सी हुकूमतों ने अपने तई कोशिशें की हैं, हुकूमतों ने भी कोशिशें की हैं, किस हद तक वो कामयाब हुई? ये जो एक क्या ऐसा तो नहीं एक साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़ के हर कुछ अरसे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जाता है? सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिनरुल्ला। मलक साहब, सबसे पहले आपका, अपने टीम का, अपने डीएम के मालकान का और मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दफ़ा हम फिर इकट्ठे हुए और इंशाल्लाह नबी पसल्लम की के खिलाफ आपके इज्जत को कराने के लिए, उन्होंने तो ये किया ना इज्जत को कराने के, हालांकि आका की हुजूर की इज्जत को कौन करा सकता है, जिसको जिसको अल्लाह फरमाता है वारफान अल्लाह का जिक्र, मेरे महबूब मैंने आपका जिक्र बुलंद किया और अगले वाला दिन जो है बेहतर से बेहतर होगा। तो कौन हो सकता है ऐसा बंदा को आका हजूर की शान को गिरा सके? ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा बंदा पैदा हो ही नहीं सकता क्या मत तक। आका हजूर वो हस्ती है जिस पर अल्लाह दरूद पढ़ता है, उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। सबसे बुलंद चीज जो है दुनिया में वो अल्लाह की सुनत होती है। अल्लाह जिस हस्ती पर दरूद पढ़ता है, जिस पर सलाम भेजता है, तो क्या वो सबसे बुलंद इबादत है ना? हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बातें नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह अपने महबूब से इतना प्यार करता है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई बंदा या कोई हुकूमत आका हजूर के खिलाफ गुस्ताखी कर सके? ऐसा नहीं है। ये शरारतें हैं जो बार बार उठती हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि नबी पाक की हदीस पाक सुनी है, दुनिया ने भी सुनी है, ये लोग पढ़ते रहते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमानों का अरूज होगा, पूरी दुनिया में अरूज होगा। तो ये लोग डरते हैं इस बात से कि वो उस अरूज को खत्म करने के लिए मुसलमानों के बहाने हीले बहाने करके कत्ल वारत करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसका जुमा इसकी हिफाजत अल्लाह ने ली है। देखो ना, छोटी सी मसूर आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह का घर खाना कबा एक बिल्डिंग है ना, उसकी कदर क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि अल्लाह की मर्सी उस पर उतरती है, हालांकि सकीना उतरती है। तो उस घर की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने अपने अबाबीलों को भेज दिया अपने घर की हिफाजत करने के लिए। तो जिस महबूब के लिए कायनात बनाई गई, तो क्या अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं कर सकता? कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता। मगर अल्लाह देख ये रहा है कि मैं अपने महबूब की उम्मत को इनाम देने के लिए देखना ये चाहता हूं कि मेरे महबूब की उम्मती कौन कौन उठता है या इम्तिहान लेने के लिए मेरे महबूब की उतरता है, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की गई। अब मैं देखना चाहता हूं कि उम्मत मुसलमान में कौन कौन मेरे महबूब की मोहब्बत में उठता है और तड़पता है। अगर मैंने यह देखा कि हमारी हुकूमतों को परवरदिगार ने अपने महबूब के एक ऐसा इनाम दिया था, एक ऐसा चांस दिया था कि आज मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो सकती थी इस नुक्ते पर,
बहाना भी बन सकता था, जैसे ये लोग बहाने करते हैं, यानी सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बना देते और पूरी दुनिया से इनकी एम्बेसियों को निकाल देते कि जी सिक्योरिटी रिस्क है ना, हमारी कौम उठ पड़ी हुई है, आका खिलाफ आपने बात की, सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बन जाता, इस बहाने से कानून, इस बहाने से कानून साजी हो सकती थी। उस वक्त तक उनको वापस ना आने देते जब तक कानून ना बन जाता कि नबी पाक सल्लम की तो बहुत बड़ी बुलंद हस्ती है, किसी भी नबी के खिलाफ कोई गुस्ताखी ना कर सके, अगर कोई गुस्ताखी करे उसको सजा दी जाए, ये कानून बनना चाहिए था। आज मुसलमानों को यह फैसला करना है कि क्या उनको आका की मोहब्बत चाहिए, क्या उनको गैरों की मोहब्बत चाहिए, क्या वो आका की मोहब्बत लेकर सरखरू होना चाहते हैं इस दुनिया में और आखिरत में, या वो गैरों की मोहब्बत लेकर अपने बच्चों को ज़बह करवाने पर जो करवा रहे हैं और रोज हो रहे हैं उस पर आराम करना चाहते हैं। मैं तो आज ये कहूँगा उम्मत मुस्लिमा को इस बहाने को इस नुक्ते को लेकर इकट्ठे हो जाए और नबी पाक की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत ले लें, बल्कि स्पेशली मैं पाकिस्तान की हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तान की हुकूमत जो अमेरिका के हाथों में बिकी हुई है, कहते जी नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो सारी दुनिया ले रही है कि किसके हाथ में कौन खेल रहा है, वेस्ट के हाथों में आप खेल रहे हैं, वेस्ट के हाथों में आपके पैसे जा रहे हैं, और कब तक गैरों के पैसों पर खेलते रहोगे, क्यों नहीं अल्लाह और रसूल की मदद हासिल करते, जिसके पास असली खजाने हैं, जिसके पास खजाने अल्लाह ने दिए कि दौलत भी ले लो, ईमान भी ले लो, इज्जत भी ले लो, हर चीज ले लो। कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ब्लस यू हेयर एंड हेयर आफ्टर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ले लेता है तो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी और आखिरत में सुरखुरू कर देता है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हासिल करे और दुनिया आखिरत में सुरखुरू हो जाए, और आज ये पाकिस्तानी हुकूमत फैसला कर ले, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत को मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के अवाम को यह कहता हूं, आज आप फैसला कर ले, जो लीडर नबी पाक सल्लम की मोहब्बत में आप उठे थे आपके साथ नहीं थे, उनको वोट नहीं देना, उनको मुफ्त में वापस नहीं लेकर आना, आज यह फैसला कर ले कि आपने अल्लाह और रसूल के बांधने वालों को वोट देने हैं, उनको हुकूमत ने लाना है, या जो गैरों के हाथों में खेल रहे हैं उनको वोट देने हैं, आज यह फैसला आपके हाथ में, आप ही आपने सिखा। बहुत शुक्रिया। कि जिन सब मुसलमानों को, मेरे भाई मुसलमानों, जिस आका हजूर के सदके तुमको हुकूमतें मिली हैं, जिस आका हजूर के सदके तुमको जिंदगी मिली है, जिस आका हजूर के सदके तुमको औलाद मिली है, जिस आका हजूर के सदके तुमको ये जिस्म मिला है, खूबसूरती मिली है, यह कैनात अल्लाह ने दी है, क्या उस आका हजूर के खिलाफ जो गस्ताखी की है किसी मालूम ने, क्या उसके खिलाफ उठना तुम्हारा फर्ज नहीं था, आप क्यों नहीं उठे? अब मैं यही पैगाम अपनी कौम को देता हूं, मेरे हम वतनों, आपने देखा जिनके आप झंडे उठाकर फिरते हैं, जिनके आप नारे लगाते फिरते हैं, जब आका हजूर के गस्ताखी के करने वाले के खिलाफ आपने जुलूस निकाला तो नवाज शरीफ कहां था, शबाज शरीफ कहां था, इमरान खान कहां था, बाकी मजहबी कहां थे, जरदारी साहब कहां थे, हुकूमत के लोग कहां थे? आप जरा आज फैसला कर लें कि आपने आका हजूर की मोहब्बत को प्यार करने वालों के साथ उठना है, या फिर आपने उन लोगों के साथ उठना है जिन्होंने आपका साथ ही नहीं दिया जब आपने आका हजूर के हक में जुलूस और प्रोटेस्ट किया, वो कहां थे वो लोग जिनके आप झंडे लेकर फिरते हैं? आज आप फैसला कर लें कि आपने ईमान अपना साबित रखना है या अपने अपने ईमान को गवाना है। जो आदमी आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ वो आपका साथी नहीं है, क्योंकि वो आका कैसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, जो आका हजूर से मोहब्बत करने वाला नहीं है वो आपका ना भाई है, ना आपका भाई है, ना आपका बाप है, ना आपकी बहन है, ना आपकी चाची है, ना आपकी दादी है, ना आपका लीडर है, और ना वो हुकूमत के हुक्मरान है, ना आपका वो जो आपने जिन लोगों को आपने वोट देकर भेजा वहां पर वो ना। आज आप फैसला कर लें, इकट्ठे होकर उठे, अपने अपने इलाकों में उठे, अपने अपने लीडर का घर, अपने अपने MMA, 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 MPA का घराव करें और उनसे कहे, बदबख्तो हमने तुम्हें वोट देकर असेंबली में भेजा था, आपने हक अदा नहीं किया, हम आपसे इस्तीफा मांगते हैं। अगर हर आदमी हर इलाके में अपने अपने लीडरों से इस्तीफे मांगेंगे तो ये मसले पांच मिनट में हल हो सकते हैं। आपने जहां तक कहा मलिक साहब पाकिस्तान की हुकूमत ने मसला हल किया है, मैं कहता नहीं किया, पाकिस्तान का हुकूमत को चाहिए था कि सब असेंबली इनके जो एम्बेसीज हैं उनको मुल्क से निकाल देते, उस वक्त वापस ना आने देते जब तक ये कानून ना बन जाता कि नबी पाक सल्लम के बारे में कोई भी मालूम ऐसी दोबारा बात ना करे, बल्कि नबी पाक सल्लम की बात तो बहुत आला है, बुलंद है, आप नबियों के सरदार हैं, किसी भी औलिया कराम के नबी के खिलाफ कोई गुस्ताखी ना करे, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई जो इनके लीडर हैं उनके पास किस, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया जो भी मजहब है दुनिया में है सबकी रिस्पेक्ट करने के लिए कानून बनना चाहिए, यही एक बात है मुसलमानों को इस पर उठना होगा। ये अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया, मुसलमानों खड़े हो जाओ, आका की मोहब्बत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं, आज खड़े हो जाओ, मैं आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं, हो सकता मौका मिले या ना मिले,
आका की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाओ। माशाल्लाह आपके जज्बात एहसास साहब, ज़ाहिर है सभी जो मोमिन है वो नबी से मोहब्बत रखेगा, अकीदत रखेगा, मुवद्दत रहे, इसके बगैर तो ज़िंदगी भी नहीं है। अलमा साहब मैं पूछना चाहूँगा कि अवाम भी बेरोहरवी का शिकार हो गई, उसकी क्या वजूहत थी, क्या मुहर्रकात थे, क्या उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? आज देखें ना ये नेगेटिव जा रहा है, अब लोगों ने फ़ायदा उठाते हुए इस बात को दबा दिया है, आज कहीं भी नज़र नहीं आता कि गुस्ताख़े रसूल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए या तहरीक चलाई जाए या कानून बनाया जाए, कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत की जाए, इसको नेगेटिव अंदाज कैसे में होगा? मेरे साहब एक मिनट जरा रुकना, कैसे होगा? लंदन में जुलूस निकाला गया सबका इकट्ठे हुए, मैं देख रहा था एक एक जमात के बंदे खड़े हैं सामने और किसी को दूसरे को आने नहीं दिया जा रहा है। चाहिए तो ये था, हालांकि मेरे वो मतलब के सुनी भाई हैं, हम सब आका से मोहब्बत करने वाले, चाहिए तो ये था कि वो सामने वाले के जहां पर टीवी तो ना फोटो बनाने के लिए आ रहे, एक तकरीर कर रहा टीवी के लिए आ रहे, ये क्या मोहब्बत है आका से कि टीवी पर आने के लिए आप खड़े सामने आ रहे, दो बंदे खड़े, दूसरी को किसी को जाने की इजाजत नहीं। एक बंदे ने कोशिश की, मुझे उसने टेलीफोन किया तो वकील साहब मैंने कोशिश की आगे जाने के लिए, उन्होंने कहा जी नहीं जरूर तुम्हारी, टाइम नहीं हमारे पास, और एक ही पार्टी के बंदे खड़े, ये क्या है? जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी तो ये फैसला कैसे हल होगा? यही बात मैं अलामा साहब से कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों के हमारी कौम झंडे ठाकर फिर रही है, जिन लोगों के नारे लगा रहे हैं, जिन लोगों को अपने ये मसीहा समझते हैं, वो इनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। उनको तलाश करें ना कौन नहीं थे। मैं पैगाम दे रहा हूँ ना कौम को, मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आपने जब प्रोटेस्ट किया तो वो लोग जिनके आप झंडे ठाकर फिरते हो, जिनके आप नारे लगाते हो, वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं थे? प्रेस पर मैं मीडिया की तरफ आता हूं। मीडिया भी इतना, हमारे मुल्क का मीडिया इतना बदबख्त है कि जब देखो ना बात ये है, ये काफर जो है 9/11 हुआ था, 9/11 के होने पर ये सारी दुनिया काफर इकट्ठे हो गए, मुसलमानों के खिलाफ हमले किए, मुल्कों को बर्बाद किया, कत्ल गर्द किया ना, हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई है, उनके महबूब आका जो अल्लाह का महबूब है उनके खिलाफ फिल्म बनाई गई, गस्ताखी की गई है, और ये मुसलमान इकट्ठे नहीं हुए और मीडिया इकट्ठा नहीं हुआ। मीडिया का किरदार इतना बेहिसी का था कि उन्होंने गलत चीजें तो बार बार दिखाई और अच्छा पैगाम बार बार नहीं दिखाया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हमारे उनको भी अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी। हमारे मीडिया का किरदार भी नेगेटिव है पाकिस्तान में। जो एक गंदी फिल्म होती है, गंदी को बात आती है, उसको बार बार दिखाते हैं। जो अच्छी अच्छाई की चीज होती है उसको नहीं दिखाते। कई अपने मुसलमान को, अपने पक्ष को खुद ही ओपन करके दिखाना चाहती है कि ये हम बेगैर थे, हम ऐसे हो गए। ऐसा इनको करना चाहिए। मीडिया को पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। हमारे मीडिया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया। ये मेरा पैगाम है कि अपने मीडिया को भी अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी। जी बहुत शुक्रिया। ये इनके जज्बात थे। साफ ज़ाहिर है कि हर शख्स जो है जब नबी की मोहब्बत की बात आती है तो जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। तो वकील साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया। इससे हो सकता है कि मुत्तफिक होना इदारे का ज़रूरी नहीं है। आप मुत्तफिक ना हो, मीडिया ने, आपको पता है मीडिया ने गलत किरदार अदा किया। आप हमारे मेहमान हैं। जो जुलूस निकाले गए उनमें जो गलत एजेंसियों के लोग आए, ये हमेशा प्लान किया जाता है। हो सकता है ये गैर मुल्की एजेंसियां, उन्होंने प्लान किया हो कि इनके इनका चेहरा बेनकाब करने के लिए हम ऐसे कराते कि किसी एक चर्च को जला दिया, किसी के घर को जला दिया, किसी घर। मुसलमान ये काम नहीं करते, ये शरारती लोग करते हैं। हमारे ऊपर ये धब्बा लगा दिया जाता है, हमारे मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं किया। ये मेरी शिकायत है उनके साथ। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि आइंदा का सब आपसे आसानियां पैदा, अल्लाह दिलों के हाल जानता है कि अगर नबी पाक की मोहब्बत के इस मसले पर आप इकट्ठे नहीं हो सके तो फिर अपने ईमान की हिफाजत करें। बहुत अच्छी बात। मलिक साहब आपका देखा, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्लान बन चुके हैं। एक हुकूमत ने ये कहा कि हमारे मुल्क में जो ये फिल्म बनाई गई है नबी वसलम के खिलाफ गुस्ताखी की गई है, हमारा उसमें हाथ नहीं। ये कहा था ना कि हुकूमत ने। आप मुझे ये बताएं कि मुसलमान इतने बेहस हो गए कि उनको पता नहीं चलता कि दूसरे दिन जो वाक्य हुआ है, उस हुकूमत ने कहा कि मेरा इस हुकूमत इस फिल्म के साथ कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर दूसरे दिन पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुआ था वो शरारत नहीं थी? एक तरफ तो उनको पता चल गया कि मुसलमान आज बॉयल हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, उनके नबी के खिलाफ उनकी गुस्ताखी की है, ये सारा मुसलमान इकट्ठा हो चुका, खड़ा हो चुका है, तो फिर दूसरे दिन अटैक जो करना था, क्या ये शरारत नहीं तो क्या है? तो इसलिए मुसलमानों को आज सोच लेना चाहिए कि ये इनके पीछे ये हुकूमतें शामिल हैं, एक एक बंदे की बात नहीं है। ये मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, इनके ये प्लानिंग इनकी हो चुकी है मुसलमानों के खिलाफ ही करने के लिए, ताकि किसी ना किसी तरीके से मुसलमान
मुसलमान को भड़काया जाए और मुसलमान उठे और लड़ाई झगड़े। कुछ लोग शरारती लोग लड़ाई झगड़ा करें तो फिर कहें देखो जी मुसलमान क्या करें, अपने अमला को जला रहे, मस्जिदों को जला रहे, चर्च को जला रहे, हालांकि मसीहियों ने इनका साथ दिया था, उनके चर्च को जलाए। इस तरह की प्लानिंग पहले उन्होंने की होती है, लोगों को पैसे दिए होती है, एजेंसीज काम कर रही होती है, मुसलमान ये काम नहीं करते। कैसे हो सकता है कतवकली अमंग साहब या मौलाना साहब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम एक चर्च को जलाएंगे? क्यों जलाएंगे? हम तो नबी पाक की मोहब्बत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों जलाएंगे? मगर वो शरारती लोग जलाएंगे हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। तो ये इल्जाम हमारे मीडिया को कवर करना चाहिए था। आपको याद है जब हुकूमतें जंग करती हैं यूरोप की, तो जो बुरी बातें होती हैं ये मीडिया पर नहीं आने देती, जो इनके खराब बातें होती हैं मीडिया पर नहीं जाने देती। पहले मीडिया को हुक्म दे दिया जाता है अगर आपने ये बात कही तो हमारा हम तुम्हारा मीडिया बंद कर देंगे। आपको याद होगा अल जजीरा ने इराक की वार में ओपन किया, ओपन सर न्यूज़ बताने शुरू कर दी थी, तो उसके वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा था बाद आज जबान वरना मैं आप बम सीधे कह दिया था मैं आप पर बम्बारमेंट कर दूंगा, तो उन्होंने खबरें देना बंद कर दी, बल्कि उस टीवी को खरीद लिया गया। तो हमारे मीडिया को भी चाहिए था कि हमारा जो थोड़ी बहुत वहाँ गलती हुई थी किसी शरारती में भेजेगी वो शोर ना किया जाता। उनको ये बार बार शोर करते रहे, अच्छी चीज़ों को शोर नहीं किया, प्रोटेस्टों को ज़्यादा शोर नहीं, इन्होंने शोर नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत नुकसान किया उनको बार बार शोर करते। ये इनकी बेहसी थी, ये इनके इन्होंने गलत किया है बहुत अच्छी बात बल्कि यहाँ तक कहा गया है दीन इस्लाम में कि बुतों को बुरा मत कहो क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे रब को बुरा कहेंगे। नहीं, इसके इन्होंने चर्च को जलाने के बाद प्रोग्राम में ये कहा था कि हुकूमती लेवल पर पूरी दुनिया में जहां जहां हमारे सफारतखाने थे ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते, ये इनकी मोहब्बत का तकाजा था, इन्होंने नहीं किया। ये मैं मेरी तरफ से इन पर भी फतवा है, ये भी अपने मान की बात करें, क्योंकि नबी पाक की वजह से पूरी कायनात बनी है, इनको हुकूमतें मिली है, स्वार्थ खाने मिले, इन्होंने भी अपना हक अदा नहीं किया, ये भी अपने मान के बात करें। इनको अभी भी टाइम है अपने अपने जहां जहां ये है ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें और अपनी महबूब को नबी पाक सल्लम की बारगाह में हाजिरी लगवाएं। और मैं आखिर में जाने से पहले यह पैगाम दूंगा, खून जिक्र दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने तो इस्लाम के गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई। माशाल्लाह, कोई आखिरी पैगाम? अब दोनों की मोहब्बत और सबसे बड़ी बात ये अकीदत का इजहार है कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी हमने फैसला किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने के लिए तरतीब देंगे। आप भी इसमें हिस्सा डालिए, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम को पसंद किया आपने और बहुत सी कॉल्स आई, आज हम नहीं ले सके, हम आपकी कॉल्स नहीं ले सके, उसके लिए माजरत खां क्योंकि मेहमानों को वक्त देना था और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं दीन के बारे में। और हमारा मकसद यही है कि अपने दीन की वो तमाम बातें दुनिया तक पहुंचाएं जो अच्छी हैं। तो हमारी काविश है कि हद तक कामयाब होते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं। अपने मेज़बान अज़ीम अली को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका और वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।